नमस्कार किसान साथियों, मैं रविंद्र पाटीदार सोमनाथ क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी किसान बंधुओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम ग्राम बिड़वाल के हमारे किसान मित्र भैया ओम प्रकाश जी डोलिया के लहसुन के प्लॉट पर आज विजिट करने आए हैं और इन्होंने सोमनाथ कंपनी का किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर अपने लहसुन की फसल में डाला था, जिसके क्या परिणाम इन्हें मिले हम भैया से जानकारी लेंगे। तो भैया पहले आपका परिचय दीजिए। नाम ओम प्रकाश पाटीदार, गांव बिड़वाल, तहसील बदना और जिला धार। मोबाइल नंबर 9755404392। अच्छा, आपने लहसुन कितने बीघे के खेत में लगाई है? मैंने वैसे तो 15 बीघे की लहसुन है। अच्छा, पर यहाँ पे 2 से 2.5 बीघे की है। अच्छा, मतलब टोटल आपकी लहसुन 15 बीघे की है। हाँ, आपने किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर कितने बीघे में डाला है? मैंने टोटली 15 बीघे में डाला हुआ है। 15 बीघे में डाला समृद्धि किट। अच्छा, इसके आपको क्या रिजल्ट परिणाम मिले आपको? रिजल्ट तो पिछली बार भी मैंने डाला था तो अच्छा। कुछ ही जगह में ही डाला था तो वहाँ पे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला था। अच्छा, इसलिए मैंने फिर पूरे में इस साल दूसरा कुछ भी नहीं डाला और ये किसान समृद्धि किट हाँ का ही यूज किया है। अच्छा अच्छा, आपको क्या इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसको डालने के बाद? इसमें रिजल्ट तो बहुत अच्छे ही दिख रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो भी आया वो देखा कि बोला कि अच्छी यार लहसुन अच्छी है। अच्छा, तो इसका मतलब रिजल्ट किसान समृद्धि किट और सोयल शिविर का ही है। नहीं, मतलब आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिला, मतलब लहसुन में? लहसुन देखो ये 2 महीने और 5 दिन की हुई है। अच्छा, इसमें देखो ये जड़ का ग्रोथ हाँ 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 गठिया होने लग गया है। क्या? अच्छा, और आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये 2 महीने की लहसुन है। भैया ने 15 बीघे की लहसुन में किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर डाला था। आप ये लहसुन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हो रही है, जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा है और कोई बीमारी नहीं है इसमें। इसमें लहसुन में फुटाव वगैरह भी बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई पिलासपन वगैरह की समस्या भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। भैया ने पिछले साल भी डाला था और इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, जिस कारण इन्होंने इस बार फिर अपने 15 बीघे के लहसुन के प्लॉट में सोमनाथ कंपनी का किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर डाला है, जिसके इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मतलब पिछले साल रिजल्ट इन्होंने देखा और इस बार फिर इन्होंने डाला है, मतलब इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। भैया आपकी जमीन वगैरह कैसी क्या है इसको डालने के बाद? जमीन तो अच्छी सॉफ्ट है। अच्छा, जमीन अच्छी सॉफ्ट हो गई। हाँ। अच्छा, इसमें आपने और कौन से खाद डाले हैं? वैसे सोइल सेवर और किसान समृद्धि किट डाला है। अच्छा, और 12/32/16 अच्छा होगा वो भी डाला है। अच्छा, वो भी डाला है। तो अगर आप जैसे रासायनिक खाद डालते हैं जिसके कारण जमीन कड़क होती है, तो सोइल सेवर और किसान समृद्धि किट डालने के बाद में आपकी जमीन में आपको क्या फर्क दिखा? फर्क तो काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसलिए हाँ। मैंने इपको जो डाला है हाँ। वो कम मात्रा में डाला है और सोइल सेवर 1 बोरी बीघे का डाला है। अच्छा, और 1 बोरी बीघे का इपको डाला है, जो लोग दो दो तीन तीन बोरी डालते हैं, मैंने इस साल कम कर दिया है। अच्छा, उसके बावजूद भी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। अच्छा, मतलब आपने रासायनिक खाद कम करने के बावजूद भी अपनी फसल सोइल सेवर किसान समृद्धि किट डालने के बाद काफी अच्छी हो रही है, बेहतर है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपको फायदा मिला है। हाँ, मिला है ना, ये सामने दिख रहा है फायदा जो आप ये फसल देख सकते हैं। इनकी लहसुन की क्रॉप काफी अच्छी हो रही है और इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कितने प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं सोमनाथ कंपनी के? सोमनाथ मैंने तो पे एक डोज दवाई का जो छिड़काव किया वो भी सोमनाथ वाला ही किया है। नहीं, इसके अलावा जो आप किसी फसल में आपने जो प्रोडक्ट कौन कौन से डाले हैं? नहीं, इसमें तो ये 2 ही डाले हुए। अच्छा, इसमें 2 ही डाले। हाँ। मतलब आप सोमनाथ कंपनी के और भी प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं, वैसे अभी रोप में वो रोपर किया था। हाँ हाँ, उसके कैसे रिजल्ट लगे थे आपको? उसके भी अच्छे रिजल्ट मिले। अच्छा, रोपर के भी अच्छे रिजल्ट मिले थे। 7 किलो कण में 4 बीघे प्याज की बोनी हो गई। अच्छा, 7 किलो कण में 4 बीघे प्याज लग गए। हाँ, और क्या चाहिए। अभी आप प्याज में भी इसको डाल रहे हैं? हाँ, डाल रहे हैं। किसान समृद्धि किट और सोइल सेवर चालू है काम। अच्छा, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं? यही सलाह है कि खाद का उपयोग कम कीजिए और सोइल सेवर और किसान समृद्धि किट का उपयोग कीजिए। अच्छा, इससे बेहतर रिजल्ट मिला है। मैंने पिछली बार 5 बीघे में ही डाला था, अच्छा रिजल्ट मिला, इस साल पूरे में ही डाला है। अच्छा, खर्च की बात करें तो आप अदर प्रोडक्ट जो डालते हैं उसकी तुलना में इसका खर्च ज्यादा है या कम है?
खर्च तो कुछ परसेंट कम है। अच्छा, पर फसल अच्छी हो रही है ना उससे। अच्छा, फसल अच्छी हो रही है, खर्च को थोड़ी देखा जाता है। मतलब खर्च भी कुछ कम है। कम है और फसल भी अच्छी हो रही है। फसल भी मतलब कम खर्च में आपको अच्छी फसल मिल रही है। अच्छी फसल मिल रही है। किसान भाइयों, कीटनाशक डालो, सल्फर डालो, पोटाश डालो। अच्छा अच्छा, ये टोटल डालना पड़ता है अलग अलग। हाँ हाँ हाँ। और इसमें पूरा कीट ही है। अच्छा, पूरा कीट ही डाला है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डाला है? नहीं डाला है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो किसान मित्र ओम प्रकाश भैया है, इन्होंने अपनी लहसुन की फसल में केवल किसान समृद्धि कीट और सोयल सेवर खाद ही डाला है, सोमनाथ कंपनी का। उसके बाद इन्होंने रासायनिक खाद की मात्रा कम करी, जिसके बावजूद भी इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसान समृद्धि कीट और सोयल सेवर के परिणाम है। भैया ने पिछली बार कुछ कम जमीन में डाली थी, जिसके रिजल्ट इन्हें अच्छे मिले, और इस बार इन्होंने अपनी पूरी लहसुन की फसल में सोमनाथ कंपनी के किसान समृद्धि कीट और सोयल सेवर डाला है। अभी भी ये प्याज की फसल में यही चीज डाल रहे हैं। और आप सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि एक बार आप अपनी किसी भी फसल में लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, सोमनाथ कंपनी का किसान समृद्धि कीट और सोयल सेवर खाद डालें और इसके बेहतर परिणाम लें, जिसके कारण आपको खर्च भी कम होगा और कम खर्च में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा, मतलब उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, लास्ट ईयर आपने डाला था तो उत्पादन आपका कितना बढ़ा था? उत्पादन कम से कम 2 से 3 क्विंटल एक्स्ट्रा ही आया था। अच्छा, एक्स्ट्रा ही आया था। मैंने अलग ही डाला था। हाँ हाँ, मतलब जहाँ डाला था वहाँ पे 2-3 क्विंटल एक्स्ट्रा आया था। एक्स्ट्रा आया था। हाँ, एक्स्ट्रा आओगे मतलब संतुष्ट तो है। अच्छा, संतुष्ट है, फसल देख के संतुष्ट तो है कि फसल अच्छी हो रही है इससे। हाँ, मतलब और क्या चाहिए यार। हाँ, कि आपने रासायनिक खाद, संतुष्ट नहीं है तो दूसरी दवाई और खाद डालना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब इस बार आप संतुष्ट है तो इस बार आपने कुछ डाला भी नहीं? हाँ, उसके बाद कुछ डाला ही नहीं, मतलब बस पानी पिलाते रहो। मतलब 2 से 3 क्विंटल का उत्पादन आपको लास्ट ईयर ज्यादा भी आया, मतलब 1 बीघे में। हाँ, 1 बीघे। तो देख सकते हैं आप किसान भाइयों की कम खर्च में आपको बेहतर पैदावार मिलती है, और सोमनाथ कंपनी किसान बंधुओं के लिए, आप सभी के लिए कम खर्च में अच्छा उत्पादन आए, इसके लिए हमेशा कंपनी प्रयास करती है कि आप तक अच्छे से अच्छे उत्पाद पहुंचाए जाए। सोमनाथ कंपनी का किसान समृद्धि किट और सोयल सेवर आप अपनी किसी भी फसल में डालें और कम खर्च में अच्छी पैदावार लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय सोमनाथ।